हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू एम वी गेमिंग वाटी 2.0 गाइस। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं अपने फेक पिसल के लॉबी के अंदर आ चुका हूँ, यानी कि हम लोग वापस अपनी फेक पिसल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको फेक पिसल की पुरानी वाली सीरीज मेरे को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आप नहीं हो तो। और इस वीडियो का एम लाइक है 10 का, तो उसे जल्दी से कम्प्लीट कर दीजिए। अगर 10 लाइक कम्प्लीट हो जाते हैं तो इसकी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करूँगा। वैसे तो आप लोगों ने जो मैंने वोटिंग कराई थी उसमें तो आपने 91% गाइज आप लोग बोल रहे हो कि मैं फिक पिसल की सीरीज़ वापस स्टार्ट करूँ, तो मैंने वापस से फिक पिसल की सीरीज स्टार्ट कर दिया। और मैं आइलैंड पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी आइलैंड पे जा नहीं सकते, थोड़ा लैग चल रहा है, मतलब कि अभी प्रॉब्लम चल रहा है गाइज हाई, मतलब फिक पिसल के अंदर, क्योंकि अपडेट के बाद थोड़ा प्रॉब्लम तो चलते ही है। तो वैसे तो मेरे को बहुत सारी बाजार फ्लिप ये सब वगैरह पता है, ऑप्शन फ्लिप वगैरह, तो हम लोग इसमें इस बार जल्दी पैसा कमाने वाले भी है। और हमारा गोल होगा कि हम लोग 2 मंथ के अंदर ही वापस जितना प्रोग्रेस हम लोगों ने किया था वापस हम उतना कर लें। तो देखते हैं गोल कंप्लीट होता है या फिर नहीं। और इसमें गाइस आप लोग भी हेल्प करना क्योंकि यार मेरे को बहुत हेल्प की ज़रूरत है, और ऐसे ही बहुत नुकसान हो चुका है, मतलब कि पहले इतना अच्छा था मेरे पास। तो अभी तो सबसे पहले 12 विलेजर से बात कर लेते हैं आज की वीडियो में, और वैसे भी करने ही वाले क्या है। तो स्टार्टिंग तो सब इसी तरीके से करते हैं, थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं इस तरीके से। और एक विलेजर यहाँ पर भी रहता है जो कि बहुत सीक्रेट होता है, पता नहीं लोगों ने इसको इतने साइड में क्यों लगाया, बस हमें इसे क्लिक करना। और तो यहाँ पर मैंने 3 विलेजर से बात कर ली है, एक और हमें वहीं पर मिलने वाला, तो जल्दी से इसे भी चल के बात कर लेते हैं। और यहाँ पर फाइनली 4 विलेजर हो चुके हैं, और यहाँ पर तो आपको बहुत सारे विलेजर यूँ ही मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग गिफ्ट ओपन कर रहे हैं, भाई मेरे को भी दे दो मेन्यू, भाई दे दो। तो गाइज अगर आपके पास किसी के पास भी गिफ्ट वगैरह हो तो वो मेरे से ओपन करवाना भाई, क्योंकि मेरे को कॉम्बैट लेवल वापस से चाहिए होगा 20, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से किया था। तो अगर आप मेरे से ओपन करवाओगे गिफ्ट्स तो हो सकता है मेरे को स्नोमैन भी मिल जाए और भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। तो गिफ्ट मेरे से ओपन करवाना यार। और एक मिनट, अपना हाँ अपना नेदर वार्ड का भी कलेक्शन लॉक करना है मेरे को, तो चलते हैं और जा करके नेदर वार्ड का कलेक्शन लॉक कर लेते हैं। और मिनियन भी, तो मिनियन हम लोग बाद में प्लेस कर देंगे, अभी कलेक्शन लॉक करना ज़रूरी है। तो फाइनली हमने लॉक तो कर लिया, मगर अभी हमारे पास उतना परफेक्ट नहीं है कि जितना में वो क्राफ्ट हो जाए। और यहाँ पर एक फेरी सोल, जिसके बारे में मैंने आपको शायद से बताया था या फिर नहीं भी बताया, तो कोई ना, हम लोग इसको कैच कर चुके हैं। अब यहाँ पर से इसको ही ब्रेक करते हैं। अभी हमें यहाँ पर 64 और 16 चाहिए होता है जहाँ तक मेरे को याद है, और वापस से एक सर्वर रिबूट। तो शायद से हम लोग हब के अंदर जाने वाले हैं अभी, क्योंकि वो तो ऑन है नहीं। तो अभी जल्दी से एनपीसीज़ के से बात कर लेते हैं, तो एनपीसीज़ इस तरफ नहीं होते, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। 7 हो चुका है हमारा, 2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एक है टॉम और एक एंड्रयू। तो अभी भी बहुत टाइम है, मतलब कि सर्वर क्लोज होने में, तो अभी भी 30 सेकंड है। और 9 पीपल से तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, इस जेरी से बात नहीं करना है, इस हमें जैक से बात करना है। और भी यहाँ पर कोई बच गया तो मेरे को तो नहीं लग रहा है। और यहाँ पर एक जैमी जो कि मेरे को एक देगा स्वॉर्ड फ्री की होती है, 10 सेकंड में होने वाला है यार, और लास्ट विलेजर मेरे को मिल नहीं रहा, तो इसको सबसे पहले तो ले लेते हैं। और विलेजर तो ये रहा यार लियो, तो इसे ही बात मैंने कर लिया। और फाइनली 12 के 12 विलेजर से मैंने बात कर लिया। और यहाँ पर सर्वर रिबूट, आप लोग देख सकते हो हम लोग लॉबी के अंदर आ चुके हैं, तो अभी ज्वाइन करके देखते हैं। तो अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ, एक मिनट मैं थोड़ा लॉबी अपना चेंज कर लूँ ये वाला। और एक छोटा सा लैग। तो फाइनली गाइस हम लोग एक बार सर्वर को, मतलब सर्वर से जाने के बाद हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने गेम के अंदर। और अभी मैं थोड़ा फॉर्जिंग वाला काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग अपने आइलैंड पे जा नहीं सकते हैं और मिनियन वगैरह प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ मिनियन के रेसिपी अनलॉक कर लेते हैं।
बाकी तो इस पर आज लाइव स्ट्रीम में करूँगा फेक पिक्सल के ऊपर, क्राफ्टर सेमसी पे कल करूँगा वीडियो, आज आएगी इस पर वीडियो, मतलब कि लाइव स्ट्रीम भी आएगी और वीडियो भी आएगी, तो ज़रूर आके देखना। तो आप लोगों ने क्यू एन ए के लिए तो क्या ही ज़बरदस्त आपने वोट किया है, सारे के सारे प्लेयर्स बोल रहे हो यार कि आपको क्यू एन ए चाहिए, 100% लोग बोल रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है क्यू एन ए करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करना, मैं एक और वोटिंग करूँगा तो आप उसमें क्यू एन ए की क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ आपके क्वेश्चंस के जवाब जो जो मेरे को बताने लायक लगेंगे। तो यहाँ पर ओकुंड का मेरा ओपिनियन तो अनलॉक हो चुका है, मगर मुझे भी सारी मतलब कि जितनी जितनी रिसोर्सेज चाहिए मेरे को सारी चाहिए होंगी, तो उसके लिए भी थोड़ा और ग्राइंड करते हैं। वैसे अभी फेक पिक्सल बहुत लैग ही चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर लैग फिर से स्टार्ट हो गया था अभी, तो फाइनली ये थोड़ा ठीक हुआ है। तो मतलब कि आप जब भी लैग आपको दिखे तो लॉबी के अंदर से आप हट जाओ, क्योंकि लॉबी के अंदर हमेशा लैग होता ही रहेगा, तो आप साइड आकर के आराम से खेलो। मेरे को बस एक चीज़ का दिक्कत लग रहा है कि ये वाला मेरे को आर्मर अच्छी मतलब कि ये जो स्किन इन लोगों ने दे रखा है डिफ़ॉल्ट वाला, ये बड़ा गंदा है स्किन है, तो आपको कोई अच्छा सा स्किन पता हो तो मेरे को बताना। मगर दुख तो मेरे को बहुत है हमारे पुराने आइलैंड का, मगर कोई ना, हम लोग हार नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझे बैन कर दिया तो क्या, हम लोग न्यू से फिर स्टार्ट करेंगे और अपनी पूरी जर्नी को वापस से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं उस मतलब जो होता है फेरिसोल में उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर से। उसके बाद यहाँ पर तो फाइनली फेरिसोल तक तो पहुँच चुके हैं, तो इसको कलेक्ट भी कर ही लेते हैं। तो अब और कम लैग के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना होगा, मतलब कि जो बर्च फॉरेस्ट है तो भी मैं अपने सारे उड कलेक्शन लॉक कर लेता हूँ, फार्मिंग के बाद में करेंगे, क्योंकि फार्म वाले एरिया में बहुत सारे लोग हैं और लैग कुछ ज़्यादा ही कर रहा है सर्वर, इसीलिए फॉरेस्ट में चलते भी फॉर्जिंग वाली सारी कलेक्शन लॉक करना है, फिर लाइव स्ट्रीम हो सकता है हम लोग फार्मिंग और डीप कावर्नस वाली सारी कलेक्शन लॉक करेंगे। और आप लोग कुछ देना चाहते हो तो आप दे भी सकते हो ट्रेड वगैरह, अभी तो हमारा ये भी अनलॉक नहीं हुआ, क्या बोलते हो उसे, तो अरे यार उसे मतलब कि बाज़ार भी अभी हमारा अनलॉक हुआ है नहीं, तो वो तो मैं वीडियो में अनलॉक करूँगा, लाइव स्ट्रीम में अनलॉक नहीं करना अभी मेरे को, वो जब वीडियो आएगी उस टाइम मैं उसमें अनलॉक कर दूँगा। और अभी तो ट्रीज़ को पूरा काटते हैं और अपना कलेक्शन अनलॉक कर लेते हैं, 60-50 काटने पे हमारा बर्च मिनियन का भी अनलॉक हो जाएगा, लेकिन हमें ओनली कलेक्शन अनलॉक नहीं करना है, इसके साथ साथ भी हमें बहुत चीज़ें करनी है। और ये उड की लकड़ियाँ फंस चुकी थी तो वापस इन्वेंटरी में आ गई, तो अच्छा है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस कलेक्शन मतलब कि बर्च वाली कलेक्शन सारी अनलॉक करेंगे, मतलब जितनी भी उड वाली है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यार कि कितना लैग चल रहा है, मगर फिर भी हम लोग कंप्रोमाइज़ तो कर ही लेंगे। और इफेक पिक्सल अपने आप को अपडेट करना चाह रहा है, लेकिन दिन पर दिन इसमें और लैग भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें एक लॉबी इन लोगों ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, लेकिन ओनली वर्केबल लॉबी अभी एक ही लॉबी है जिसके अंदर भी मैं हूँ, बाकी सारी लॉबीज यहाँ पर एक भी काम नहीं कर रहा है, जो कि यही प्रॉब्लम है फेक पिक्सल के अंदर कि लैग कुछ ज़्यादा ही कर देता है। और क्राफ्टर सेमसी में ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभार मिल भी सकता है अगर ज़्यादा प्लेयर हुए तो, वैसे वो भी सर्वर बहुत बेस्ट है। अभी के लिए तो इसका भी जितना हमें चाहिए उड, क्योंकि हम इसकी मिनियंस बना बना करके हमें अपने मिनियन का स्लॉट भी अनलॉक करना है, और किसी के पास एक्स्ट्रा स्नो मिनियन है तो दे देना यार। तो अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है कि आपको मैं पैसे दे सकूँगा, तो कर दे सकते हो दे देना, और नहीं भी देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो लैग, अभी मेन काम तो गाइस मेरा जंगल एक्स को अनलॉक करना होगा, क्योंकि जंगल एक्स के बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर तो लैग चल रहा है, तो एक काम करते हैं इसके आगे वाले आइलैंड पे भी चलते हैं। तो अभी मेरा लॉगर लेवल 5 भी हो चुका है, लिटरली बहुत जल्दी हो गया, जो कि अच्छी बात है। तो ये राम यहाँ पर से जंप करते हैं, और फाइनली स्प्रूस वुड के अंदर, स्प्रूस से हमें कोई काम नहीं क्योंकि इससे कुछ क्राफ्ट होने होने वाला है नहीं, इससे भी मेरे को उतना कोई काम है नहीं, तो सबसे लास्ट वाले से ऊपर मतलब कि अकेसिया वाले में चलते हैं, इससे कुछ रिसोर्स मतलब कि रेसिपीज़ होते हैं जो ज़्यादा बनते हैं, तो
तो हम लोग इसका कलेक्शन अनलॉक करने वाले और यहाँ पर प्लेयर्स भी कम होंगे तो समझ सकते हो लैग बहुत कम होगा। और ये जो एग्स दिख रहे हो ये मैंने एनपीसी से बाय किया था जिसका नाम शायद स्वीट एग्स है या फिर एफिशिएंसी एग्स, में कोई भी एग्स बाय कर लेता हूँ, ओनली 25 रुपीस मिलती है। और अभी इसका भी कलेक्शन अनलॉक करते हैं, बाकी सारी कलेक्शन हम जब लैग कम होगा तब कर लेंगे, अभी तो बहुत लैग है तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर भी हल्का हल्का लैग चल ही रहा है तो कोई ना, अभी जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो हम कर ही लेंगे। और गाइस आपको ये सीरीज़ वापस से चाहिए था फिर नहीं चाहिए था आप कमेंट में भी एक बार बोल देना यार, क्योंकि हम लोग वापस उतनी मेहनत करने वाले जितना हमने पहले किया था, लेकिन गोल ये होगा कि उससे कम टाइम में हम लोग कंप्लीट करें, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आप लोग यार सपोर्ट करना, फुल सपोर्ट करना, तो ही मैं हो सकता है मैं बहुत अच्छे से ये सब कर पाऊँगा हाफ टाइम के अंदर। उसको मैंने 3 मंथ्स के लिए खेला था उस आईडी को और वो अब बैन हो चुका है क्योंकि मेरी गलती की वजह से, और मेरे को रूल नहीं पता था यार, गलती मेरी भी नहीं है, रूल पता नहीं था मेरे को उसके बारे में कि हम क्या करेंगे तो बैन हो सकते हैं, और मैंने वो गलती कर दी तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो फाइनली अकेशिया का भी कम्प्लीट, तो अब हमारा बचता है ये जंगल उड़ वाला, तो इस पर भी चलते हैं और यहाँ पर ऊपर भेजो यार। तो फाइनली हम लोग जंगल आइलैंड पे भी आ चुके हैं, वैसे यहाँ पर लैग तो बहुत कम कर रहा है, तो यहीं पर से हम लोग उड वगैरह ब्रेक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही इतना करने वाले हैं कि हम लोग अपनी उड की कलेक्शन लॉक करेंगे क्योंकि फेक पिक्सल के अंदर अभी लैग चल रहा है। और यहाँ पर ये टेक्सचर पैक के साथ गाइस जो ये सीन देखने को मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है देखने में, आप लोग खुद ही देख लो क्या ही सुंदर लग रहा है ये सीन देखने में। पहली बार आप लोगों ने सूरज को माइनक्राफ्ट के अंदर गोल देखा होगा जो कि ये टेक्सचर पैक देता है, तो आपको टेक्सचर पैक की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए एक बार कमेंट जरूर बोलना। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ, तो आज की वीडियो के लिए था, और इस ड्रेस को पहनने के बाद तो मैं पक्का चोर लग रहा हूँ, मगर कोई ना आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो का लाइक मैंने आपको पहले बता दिया था 10 का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारा सब्सक्राइब एम होने वाला है गाइस 1.1 के, यानी कि 1.1 के, आप लोग कंप्लीट करा दो सब जल्दी सब्सक्राइबर, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी ऐसी अमेजिंग वीडियोज ला सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।